पुलिस पर फायरिंग करने वाला रिटायर्ड फौजी हुआ गिरफ्तार। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हंसारी चौकी जीवी निवासी रिटायर्ड फौजी सुंदर सिंह ग्वाल टोली निवासी ने कल रात पुलिस के ऊपर 6 राउंड फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस की 4 टीमों का गठन किया गया था। रात भर के ताबड़तोड़ दबिश के बाद पुलिस ने उक्त अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पूछताछ में उसने अपने आप को नशे में होने की बात को स्वीकार किया है, लेकिन पुलिस अभी गहनता से जांच कर रही है कि आखिर उसने पुलिस के ऊपर गोलियां क्यों चलाई। बड़ी मशक्कत के बाद सुबह के करीब पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार किया और उसकी लाइसेंसी बंदूक भी बरामद कर ली है। झांसी से विक्रम पटेल की रिपोर्ट। सर, एक फौजी ने पुलिस पे हमला किया था, कई राउंड फायरिंग की थी, उसमें क्या कार्रवाई हुई, क्या गिरफ्तार हुआ? जो नामजद अभियुक्त था श्याम सुंदर, जिसके द्वारा PRV 0369 झांसी पर फायरिंग की गई थी, जिसमें एक होमगार्ड और एक कांस्टेबल गए थे और वो बाल बाल बच गए थे, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था। सर्विलांस SOG और थाने की 2 टीमें थी, संयुक्त प्रयास से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे DBBL गन और 10 कारतूस बरामद हुए हैं। एक खोखा कारतूस कल मौके से बरामद हुआ था, उसके विरुद्ध पहले से ही धारा 307 IPC का अभियोग पंजीकृत है। आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग और पंजीकृत करके उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। ज्ञात हुआ है कि ये लाइसेंस उसने जम्मू एंड कश्मीर से लिया था, जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, उसको कैंसिलेशन के लिए भी हम रिपोर्ट भेज रहे हैं।